मोदी सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मिली स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप सुरक्षा हटा ली है। मनमोहन सिंह को अब जेड प्लस सुरक्षा के घेरे में रहना होगा। मोदी सरकार की ओर से फैसला विभिन्न खुफिया एजेंसियों रॉ और आई की ओर से मिले इनपुट। कैबिनेट सचिव और गृह मंत्रालय के बीच 3 महीने की समीक्षा बैठक के बाद लिया गया है। गृह मंत्रालय की ओर से इस संबंध में एक पत्र जारी कर पूर्व पीएम को जानकारी दे दी गई है। मोदी सरकार के इस फैसले के बाद अब एसपीजी सुरक्षा केवल 4 लोगों को ही दी जाएगी। जिन लोगों को एसपीजी सुरक्षा मिलेगी उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शामिल हैं। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री को भी ये सुरक्षा मिली थी। सुरक्षा के खतरे को देखते हुए प्रधानमंत्री और उनके परिवार के सदस्यों जैसे पत्नी, बेटे और बेटी को भी एसपीजी सुरक्षा दी जाती है। आपको बता दें कि एसपीजी में इस वक्त आईटीबीपी, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के 3000 से ज्यादा सैनिक शामिल हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सुरक्षा हटाने के मामले में जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि एसपीजी एक्ट 1988 के नियमों के मुताबिक पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के खतरे की स्थिति को देखते हुए हर साल समीक्षा की जाती है। सभी सुरक्षा एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर सुरक्षा बैठक में ये बड़ा फैसला लिया गया है। इस खबर पर आप भी अपनी राय रखिए।